हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास ज़ेरॉक्स की कलर मशीन है। तो दोस्तों, इस मशीन में एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम जब भी प्रिंट करते हैं तो एक हल्की सी लाइन आ रही है। तो वो लाइन किस वजह से आती है और उस लाइन को हम कैसे ठीक करें जिससे कि हमारा प्रिंट आउट है वो अच्छा निकल पाए। दोस्तों, मैं आपको प्रिंट आउट भी दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रिंट आउट है वो कैसा निकला है, उसमें कहाँ पर लाइन आ रही है। तो दोस्तों, ये है हमारा वो प्रिंट जिस पे कि हमारी हल्की सी एक लाइन आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ से देख पाओगे, ये लाइन है हल्की सी, ये लाइन आ रही है इसमें प्रिंट में। बाकी और भी जो प्रिंट आउट होते हैं कलर, तो उन पे ये लाइन आती है तो कस्टमर काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है। तो ये लाइन किस वजह से आती है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। तो चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी मशीन है। दोस्तों, बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो ड्रम यूनिट की ही होती है, क्योंकि जब भी हम प्रिंट करते हैं तो जो टोनर होता है उसमें कहीं ना कहीं से डस्ट वगैरह आ जाता है। तो ये उस कारण से भी प्रॉब्लम आती है कि हमारे प्रिंट में और फोटोकॉपी में लाइनिंग आने लगती है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इस कलर मशीन में चार ड्रम होते हैं, चार ड्रम यूनिट होती हैं। तो हमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये किस ड्रम यूनिट की वजह से ये लाइन आ रही है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि हम कैसे पता लगाएँगे कि इसमें किस ड्रम यूनिट की वजह से लाइन आ रही है और उसको हम कैसे रिपेयर करें या कैसे हम ठीक करें। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये हमारे मशीन का फ्रंट डोर है, तो हमें इसे सिंपली यहाँ से पकड़ के ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ये हमारा लॉक है। आप सिंपली इसको ज़रा सा हल्का सा लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद हल्का सा इसको प्रेस करोगे नीचे तो ये कवर भी इसका ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप देख पाओगे कि ये हमारी ड्रम यूनिट लगी हुई है। इसमें चार ड्रम होते हैं, ये R1, R2, R3 और R4। तो दोस्तों, ड्रम यूनिट को बाहर निकालने के लिए सिंपली आप हल्का सा यहाँ प्रेस करोगे तो ये बाहर आ जाएंगी। तो ये चारों ड्रम यूनिट हम ऐसे ही सिंपली धीरे से बाहर निकाल लेते हैं। अब एक एक करके हमें चेक करना है कि हमारी किस ड्रम में प्रॉब्लम है, ये लाइन दिख रही है, तो उसी ड्रम पे हम फिर काम करेंगे। तो दोस्तों, पता लगाने के लिए आपको सिंपली इसको बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के बाद फिर आप इसमें अच्छे से चेक करेंगे कि कहीं हमारी ड्रम पे लाइनिंग तो नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी ड्रम पे लाइनिंग नहीं दिखती है तो फिर आपको PCR चेक करना है, जैसे कि जस्ट ड्रम के कांटेक्ट में ही होता है, बिल्कुल ड्रम से लगा हुआ होता है। तो ये हमारा ब्लैक कलर का रोलर जो आपको दिख रहा है, ये होता है PCR। तो इस पर आप अच्छे से देखोगे तो इस पर हमें कहीं पर भी लाइन नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये वाला ड्रम यूनिट हमारा ठीक है। बाकी फिर हम अगली ड्रम यूनिट को चेक करेंगे। अब हमें ये वाला, ये हमने वहीं की वहीं लगा दिया, बाकी अब इसको निकालना है हमें। इसको निकालने के बाद आपको सिंपली ऐसे ही देख लेना है कि कहीं ड्रम पे कहीं आपको लाइनिंग दिख रही है। अगर ड्रम पे नहीं दिखती है तो फिर आपको PCR चेक करना है कि PCR पे कहीं कोई लाइन वगैरह तो नहीं है। अगर PCR पे लाइन है तो हमें पूरा ड्रम यूनिट खोल के PCR को साफ़ करना पड़ेगा और फिर ब्लेड को भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं हमारी ब्लेड भी ख़राब तो नहीं हो गई है, वो ड्रम को अच्छे से क्लीन कर पा रही है या नहीं। अभी इस पे भी हमें कहीं लाइन नहीं दिख रही है, तो इसको भी हम वापस मशीन में इंस्टॉल कर देते हैं और अगली ड्रम यूनिट को चेक करते हैं। अब हमें ये वाली ड्रम यूनिट निकालनी है अपनी, R3। अब हमें इसे भी चेक करना है। इस पर भी हमें ड्रम पे दोस्तों कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमें PCR चेक करनी है अपनी। तो ऐसे ही हमें PCR भी चेक करना है। दोस्तों, मुझे एक हल्की सी लाइन इस PCR पे नज़र आ रही है,
कैमरा शायद उसको कैच नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे वो थोड़ा दिख रही है। और उसी लाइन के जस्ट मुझे थोड़ी हल्की सी लाइन एक ड्रम पर भी नज़र आ रही है, कैमरा शायद उसको पकड़ नहीं पा रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पे एक हल्की सी लाइन भी है, तो मैं इस वाली ड्रम यूनिट को ओपन करूँगा और इसके जो कॉन्टैक्ट में पीसीआर है और ड्रम है उनको मैं अच्छे से साफ़ करूँगा, और नीचे जो ब्लेड लगी है उसको भी चेक करूँगा कि वो ख़राब तो नहीं हुई है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि यही वो लाइन है जो हमारी प्रिंट में आ रही है। तो इस वाली पीसीआर को हम निकालेंगे और इसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे, फिर दोबारा से मशीन में इंस्टॉल करके प्रिंट निकाल के देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इस ड्रम यूनिट को खोलने के लिए हमें इसमें दो नट लगे हुए हैं, वो खोलने पड़ेंगे। एक नट इसमें यहाँ है और एक नट ये है। आप इनको ओपन करेंगे तो ये वाला, जैसे ये नट खोलेंगे दोस्तों हम, तो ये वाला कवर बाहर आ जाएगा। तो मैं नट खोल लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके नट हमने खोल लिए, तो इसको सिंपली हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। ये कवर हमारा बाहर आ गया, इसको हमें साइड में रख देना है। उसके बाद हमें इस पत्ती को भी बाहर निकालना है, तो ये दो नट खोलना पड़ेंगे। तो ये दो नट भी मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों नट भी मैंने खोल लिए हैं, तो इसको सिंपली हम पकड़ के अच्छे से बाहर निकालेंगे और इसको भी साइड में रख देंगे। उसके बाद ये हमारा यहाँ से ओपन हो गया है। अब एक लॉक है वो उस तरफ लगा होता है, तो उसे भी हमें ओपन करना पड़ेगा। मैं वो भी साइड इधर ले लेता हूँ। तो मैंने ड्रम को टर्न कर लिया है अपनी तरफ, और इसको भी लॉक को खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ हमें ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला लॉक है ये हमें खोलना पड़ेगा। तो ये जो स्क्रू है वो भी मैं खोल लेता हूँ। तो ये एक गोल लॉक है वो भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये लॉक खोलना है हमें, तो मैं आपको ये स्क्रू खोल के उसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये स्क्रू खोल लिया है। उसके बाद ये एक लॉक है वो भी हमें साइड से रख देना है, बाद में हमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये लॉक है ये हमें ये भी खोलना है। तो हल्का सा आप इसमें यहाँ पेचकस लगाओगे, यहाँ कॉर्नर पर पेचकस लगाओगे इस जगह, इसको बाहर ऐसे खींचोगे ऊपर की तरफ, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको भी खोल लेता हूँ। ये मैंने इसको लॉक को रिमूव कर दिया है। इसको हमें हल्के से उठा के साइड में रख देना है। ये हमारा लॉक बाहर आ गया है, इसे हमें वापस से लगाना पड़ेगा। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद ये ड्रम है हमारा रिमूव हो जाएगा। इसको यहाँ से पकड़ना है, उस तरफ से पकड़ना है और सिंपली ऊपर उठा लेना है, जिससे कि ये हमारे हाथ में आ जाएगा। और इसको इनकी दोनों बैरिंग को निकाल के साइड में रख देना है, और फिर उसके बाद ये नीचे पीसीआर है उसको भी साफ़ करना है। तो मैं ये ड्रम हटा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस पर से ड्रम हटा दिया है और बाकी सारा सामान मैं यहाँ पर रखते जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद अब ये हमारा इसके नीचे ही जस्ट पीसीआर लगा होता है, और जो मुझे हल्की सी लाइन दिख रही थी वो इस जगह है, आपको कैमरे में भी चमकती हुई दिख रही होगी। तो इसको हमें साफ़ करना है, और फिर जो ब्लेड है उसे भी हमें यहाँ से थोड़ा क्लीन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी वेस्ट टोनर जमा हो रहा है, तो इस वजह से भी ये लाइन आ सकती है। और जो मुझे चमकती हुई लाइन दिख रही थी वो ये है यहाँ। आई होप कि आपको भी कैमरे में दिखे, ये है वो चमक रही जो लाइन वो ये है। तो इस पीसीआर को मैं बाहर निकालूँगा यहाँ से उठा लूँगा सिंपली, और इस तरफ से भी, और इसको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगा। उसके बाद इसको सुखा के फिर इसी जगह इंस्टॉल करूँगा, और फिर इस ब्लेड को भी हल्के से साफ़ कर लूँगा। मैं इस पीसीआर को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों ये पीसीआर मैंने निकाल लिया है, और ये पीसीआर मैंने यहाँ हल्का सा इस जगह पेचकस लगा के इस
इसको ऊपर की तरफ उठाया था तो ये लॉक है, एक इसमें लगता है, लॉक नहीं है ये होल्डर ही है जो पीसीआर को ब्रश को होल्ड करके रखता है, वो यहाँ लगता है। तो ये ब्रश भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये ब्रश भी मैंने बाहर निकाल लिया है जो पीसीआर को क्लीन करता है। उसके बाद इसको लगाना है, इसको सिंपली ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को इस लॉक में रख देना है, जैसे कि मैं रख देता हूँ इसको। इस लॉक को रख के हमें थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा जिससे कि ये आसपास के ब्लैक लॉक से होल्ड हो जाए। उसके बाद हमें अपनी ये पीसीआर है इसको क्लीन कर लेना है, जो भी इस पे लाइन थी वो हमें क्लीन करना है। उसके बाद हल्के से एक कॉटन कपड़ा लेके हमें ये ब्लेड भी अपनी साफ़ कर लेनी है, और फिर उसके बाद हमें इसको दोबारा से लगाना है, पैक करना है अपनी यूनिट को। तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ गीले कपड़े से, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये अपना पीसीआर है वो अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब वो मुझे इस पे कहीं पे भी कोई लाइन नहीं दिख रही है। मैंने इसको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है और इसको सुखा भी लिया है। अब इसके बाद हमें इस ब्लेड को भी थोड़ा हल्के से हाथ से कॉटन कपड़े से साफ़ कर लेना है, तो मैं इसे भी साफ़ कर लेता हूँ और फिर उसको मैं आपको दोबारा से ये पीसीआर वगैरह इसमें फिट करके दिखाता हूँ। दोस्तों ऊपर से तो मैंने ब्लेड को साफ़ कर दिया है, लेकिन क्या है मुझे लग रहा है कि मुझे इसको खोलना ही पड़ेगा ब्लेड को, क्योंकि ब्लेड के उस तरफ भी मॉइस्चर की वजह से काफ़ी कलर है, टोनर वो चिपक गया है ब्लेड से। तो मुझे ब्लेड रिमूव करने के लिए यहाँ पीछे लगे हुए दो नट को खोलना पड़ेगा, एक नट इसमें यहाँ है नीचे की तरफ और एक नट यहाँ है। तो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद ये वाला जो ब्लैक पार्ट है ये वाला, ये अलग हो जाएगा हमारी ड्रम यूनिट से। उसके बाद ये वाले नट हैं ब्लेड के, वो हमें खोलना पड़ेंगे जब हमारी ब्लेड बाहर आएगी। ब्लेड बाहर आएगी तो इसके नीचे कुछ बेस्ट टोनर भी होगा, वो हमें फेंक देना है, और इसके नीचे जो कलर लगा हुआ है ये येलो येलो आपको दिख रहा है, उसको कॉटन कपड़े से साफ़ कर देना है और फिर दोबारा से हमें इसमें लगाना है। तो मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ, इन नट को खोल के, चलिए मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों मैंने इसके जो स्क्रू हैं नीचे से, एक यहाँ लगा हुआ था और एक यहाँ, मैंने इसको दोनों को खोल दिया है स्क्रू को। उसके बाद हमारी ये यूनिट है, आप इसको नीचे रख लो, इसको हल्के से आप बाहर खींचोगे तो ये रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारी अलग हो गई है। उसके बाद अब आप देख पाओगे कि हमें ब्लेड खोलने के लिए ये नटों को खोलना पड़ेगा, ये वाले, तो इनको भी खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने ये ब्लेड के भी दोनों नट हैं खोल दिए हैं। उसके बाद सिंपली हमें ब्लेड को ऊपर की तरफ उठा लेना है, तो ये हमारी ब्लेड भी बाहर आ जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये काफ़ी सारा टोनर है मॉइस्चर की वजह से हमारे ब्लेड के अंदर चिपक गया है, बाकी जो बेस्ट टोनर है वो आप इसमें देख ही पा रहे हो तो भर गया है। तो इसको भी हमें बाहर खाली कर देना है। तो बाहर आप इसको खाली करोगे तो इस पे जो स्प्रिंग डली हुई है, ऑगर बोलते हैं इसको, तो इसे भी हमें यहाँ से, आप ये लॉक है इसमें ये दिख रहा है आपको इधर, ये वाला, इसको आप ऐसे घुमाओगे तो आप देखोगे यहाँ ऑगर भी घूम रहा है, ये हमारा स्प्रिंग इसके अंदर है। तो जिससे कि जो भी बेस्ट टोनर होगा वो आप इसको उल्टा कर देने, उल्टा करके इसको इसको आप घुमाओगे तो ये पूरा बेस्ट टोनर है हमारा बाहर निकल जाएगा। और फिर उसके बाद हमें इस पर ब्लेड को साफ़ करके लगाना है। दोस्तों अगर जैसे कई बार ऑगर वगैरह भी हमारा टूट जाता है ऐसे घूमते हुए, ये देखिए इसमें घूम रहा है ये ओगर, मैं आपको और पास से दिखाता हूँ,
स्प्रिंग होती है, ये स्पायरल रिंग होती है, ये देखिए। इसको मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ ऐसे करके, तब ये यहाँ घूम रहा है। और देखो आप, इसमें काफ़ी सारा वेस्ट टोनर है जो मैं बाहर फेंक देता हूँ, उसको साफ़ कर लेता हूँ अच्छे से। और इस हमारी जो ब्लेड नीचे रखी है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये अपनी ब्लेड है उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, देखो आप। मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसके नीचे जो बेस्ट टोनर था वो भी मैंने बाहर फेंक दिया है और इसको भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके अंदर जो स्प्रिंग होती है जिसे ऑगर बोलते हैं, वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। मैंने साफ़ करते वक्त निकाल ली थी, वो यहाँ से अंदर जाएगी। और ऑगर जो है वो स्प्रिंग की इस तरह की होती है जो यहाँ रखी है, यह है, तो वो मैं इसमें डाल देता हूँ। ये ऑगर मैंने अपनी इसमें डाल ली है। अब ऑगर के बाद इसमें मुझे सिंपली अपनी ब्लेड है जो ये मैंने साफ़ की थी वाली, वो यहाँ लगा देना है। तो मैं चलिए ब्लेड भी लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, ब्लेड भी मैंने इसमें फ़िट कर दी है और स्क्रू भी लगा दिए। उसके बाद सिंपली हमें ये जो है हमने यहाँ से निकाला था वो उसमें हमें लगा देना है। तो ये भी मैं इसमें फ़िट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये ब्रश और PCR इसमें लगाना बताता हूँ। दोस्तों, इस कवर को भी लगाने के बाद इसमें हमें इस ब्रश को डाल देना है, इसमें फ़िट कर देना है। तो सिंपली इसको हमें इन लॉक्स पे रख देना है जो ये इसमें रखे हुए हैं, और इसी तरह से इसको इस तरफ से भी रख के थोड़ा सा प्रेस कर देना है, तो ये अंदर फिट हो जाएगा। उसके बाद यही हमें सेम PCR के भी साथ करना है। PCR भी हमें सेम यहाँ रख देना है इस जगह पर, और ऐसे ही हमें इसको इस तरफ फिट कर देना है। फिट करके इसको हमें हल्के से प्रेस कर देना है, और इधर से भी ये प्रेस कर देना है, तो ये इसमें अच्छे से फिट हो जाएगी। उसके बाद हमें इसको इसके ऊपर हमें ड्रम लगाना है, और इसके जो भी हमें हमने पार्ट्स खोले थे वो हमें यहाँ पे पैक कर देना है, और फिर उसके बाद हमें प्रिंट निकाल के चेक करना है। तो मैं ये सब पैक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपको प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। सिंपली दोस्तों, इसके ऊपर हमने जो अपना ये ड्रम रखा हुआ है वो ये ड्रम यहाँ रखना है। तो मैं आपको ये ड्रम भी रख के ही बता देता हूँ। ड्रम रखने के बाद फिर हमने ये लॉक्स खोले थे, ये लॉक भी हमें लगाना है। तो पहले मैं ड्रम रख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं लॉक भी बताता हूँ लगाना। दोस्तों, ये ड्रम भी हमने इसमें लगा दिया है। अब ड्रम लगाने के बाद जो हमने यहाँ से लॉक खोला था, ये छोटा वाला, ये वाला जो रखा है वो हमें इसमें लगा देना है। तो ये भी मैं लगा देता हूँ। लगाने का ही वही प्रोसेस है जैसे हमने निकाला था, इसको मैं यहाँ रख के आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसका ये वाला जो पार्ट है जिस तरफ से ये होल्ड होता है वो हमें इस तरफ रखना है, यहाँ पर ऐसे, और फिर इसको बैरिंग के ऊपर रख के थोड़ा सा पुश करना है। ये यहाँ पर पुश करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक हमारा अच्छे से इसमें हो गया है। उसके बाद ये वाला जो लॉक है वो हमने यहाँ से निकाला था, ये वाला, वो हमें इसमें लगा देना है। ये जो होल है
उसको हमें इन इनमें लगाना है सही से। ये वाले होल्स जो आपको दो होल दिख रहे हैं, इनमें लगाने के बाद हमने यहाँ से एक नट खोला था इस जगह से, वो हमें नट भी यहाँ लगा देना है। तो मैं नट भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये नट भी मैंने लगा दिया है। अब इस नट को लगाने के बाद सिंपली हमें उस साइड चलना है ड्रम के, और ये जो दो लॉक हमें हमारे हैं जो प्रिंटर पर रखे हैं वो हमें लगाना है। मैं ड्रम को घुमा लेता हूँ। अब हमें सिंपली ये जो पत्ती है जो हमने यहाँ से निकाली थी, जो ये ड्रम के अंदर जाके फिट होती है, वो हमें इसमें सिंपली लगा देना है। तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ये वाली पत्ती लगाने के बाद सिंपली ये वाला एक कैप बचा है फाइनल, वो हमें इसमें लगा देना है। और ये लगा के फिर मैं इसको ड्रम यूनिट को मशीन में लगाता हूँ, फिर प्रिंट आउट निकालता हूँ। दोस्तों ये कैप भी मैंने लगा लिया है। अब सिंपली इसको मैं अपनी मशीन में इंस्टॉल कर देता हूँ। मैंने ये ड्रम यूनिट को अपनी मशीन में इंस्टॉल कर दिया है। बाकी फिर इसका फ्रंट कवर लगा के इसे हमें लॉक कर देना है, और फ्रंट डोर को हमें बंद कर देना है। फिर इसके बाद हमें इसमें प्रिंट निकाल के देखना है, हमारी जो भी प्रॉब्लम थी लाइन की वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।